तो साथियों कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस आज जो मैं आपको वीडियो एडिट करके दिखाने वाला हूँ ना, वो वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वायरल, काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो गाइस बिना किसी देरी के जाके आप प्रीव्यू देख के अभी आ जाओ। अरे ये कोड घेतला की डोका कसत तड 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 इस प्रीव्यू में आप जिस वाले वीडियो को देखा, आज दोस्तों मैं आपको कुछ इसी प्रकार का वीडियो बना के दिखाने वाला हूं। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप यहां पर किसी स्काई के सामने चले जाइएगा, देन गाइस आप यहां पर कुछ इस टाइप से एक्टिंग करके वीडियो को आप यहां पर शूट कर लीजिएगा। मेरे से यार जैसा हुआ है, मैंने यहां पर एक्टिंग करके वीडियो को शूट किया है। और शूट करते टाइम आपको यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि आप यहां पर ब्लू और व्हाइट कलर का कुछ भी आप ड्रेस को ना पहने, ठीक है। जितना आप ब्लू और व्हाइट कलर के ड्रेस को अवॉइड कीजिएगा और आपका वीडियो गाइस उतना बढ़िया बनेगा। तो साथियों बिना किसी देरी के चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से वीडियो को यहाँ पर एडिट करना है। बाकी यार बाहर में जो मुर्गा चिल्ला रहा है उसको इग्नोर मारिए। साथियों इस वीडियो को बनाने के लिए आपको यहाँ पर VN ऐप के अंदर एक प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। अगर दोस्तों आपके फोन में VN ऐप पहले से इंस्टॉल है तो ये जो प्रोजेक्ट है गाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब साथियों आपको यहाँ पर इस वाले प्लस के मार्क पर क्लिक करना है। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जैसा दोस्तों मैंने आपको वीडियो शूट करके दिखाया है, आप जो अपना वीडियो शूट किए थे उस वाले वीडियो को आपको यहाँ से पर सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद दोस्तों जहाँ से आप अपने वीडियो में एक्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हो उस वाले पार्ट में आप यहाँ पर आ जाइएगा। अगर मैं अपने वीडियो की बात करूँ तो गाइस ये मेरा रिकॉर्डिंग का रॉ फाइल है। तो गाइस मेरे यहाँ पे आगे का मेरा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट था जिसको मैंने यहाँ पे कट करके हटा लिया है। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो को फर्स्ट स्लो मोशन में बनाना है। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ डॉट आपको यहाँ पर बने हुए दिख रहे होंगे। अब आपको इन डॉटों के बीच में आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। एड पॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक पॉइंट आपको बनाते हुए चले जाना होगा। अब साथियों फर्स्ट जो डॉट है इसको छोड़ के आपको सेकंड वाले डॉट पर कुछ इस तरह से आपको इसको यहाँ पर नीचे तरफ में लाना होगा इस प्रकार से। और वापस से गाइस उसके बाद वाला जो रहेगा उसको आप हल्का सा ऊपर कीजिएगा। उसके बाद वाले को वापस से आपको नीचे, मतलब जहाँ पर आप गाइस ये जो डॉट को नीचे करोगे उस जगह पर आपका गाइस वीडियो स्लो होगा, ठीक है। और जहाँ पर आप ऊपर करोगे उस जगह पर वीडियो आपका फास्ट होगा। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट करते हुए चले जाना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर ओके प्रेस कर लेना होगा। अब अगर मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो मेरा वीडियो है ये फर्स्ट स्लो मोशन में हो चुका है। अब साथियों आपको अपने वीडियो को ऊपर वाला लेयर में लाना है। उससे पहले गाइस लास्ट में ये जो वीडियो रहेगा इसको आप डिलीट करके हटाइएगा पहले, ठीक है। अभी आप यहाँ पर नीचे में देखोगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, आपको साथियों इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पर ऊपर में देखोगे तो ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कीजिएगा। देन अभी आपको अपने वीडियो पर कुछ इस तरह से एरो में पकड़ के इसको आपको फुल स्क्रीन में आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अभी आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर दोस्तों इस वीडियो एडिटिंग में यहाँ पर जो जो मैं चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ सारी चीज़ों का मैंने लिंक दे के रखा है, आप वहाँ से एक एक करके हर चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे जो स्काई वाला वीडियो है उसको आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्काई वाला वीडियो उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी कुछ इस प्रकार से इसको आपको यहाँ पर बड़ा करना होगा। देन आपका जहाँ पर स्काई है उसी जगह पर गाइस ये वाला जो स्काई है इसको भी आप यहाँ पर ले जाइएगा। जाने के बाद साथियों अभी आपको ये जो स्काई है इसको फर्स्ट कम में करना है। उसके लिए आप यहाँ पे स्पीड वाले ऑप्शन में जाइएगा, रेगुलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से 1.4x आप यहाँ पर कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर लेना होगा। अब दोस्तों ये जो स्काई वाला वीडियो इसका गाइस आपको ये जो फर्स्ट डंडी है इसके बाद वाला डंडी जहाँ तक रहेगा इतना गाइस आप यहाँ पर कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से इतना आप यहाँ पर कर लीजिएगा। अभी दोस्तों आपको अपने वीडियो पर क्लिक करना होगा, इसको अगर पकड़िएगा कुछ इस प्रकार से गाइस आपको इसको आपको यहाँ पे नीचे में लाना है। देन आपका जो वीडियो यहाँ पर ऊपर में होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जिस प्रकार से किया है सेम टू सेम आप यहाँ पर कर लीजिएगा। अब साथियों आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना होगा, आपका जो स्काई है इसको रिमूव करने के लिए क्रोमाकी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो प्लस है इसको कुछ इस प्रकार से स्काई में आप यहाँ पर ले जाइएगा। देन इसको आपको अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कीजिएगा, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर दे रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों वीडियो को अभी आपको प्ले करना है। देन गाइस यहाँ पर आपका स्काई वाला वीडियो खत्म होता है, इस वाले पार्ट में आप यहाँ पे आ जाइएगा। देन यहाँ पर आपको प्लस का मार्क पर सिलेक्ट करना होगा, वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अभी दोस्तों आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो 3D BG लुक वाला जो वीडियो है इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा।
सबसे पहले आप इसको इस पल एरो में पकड़ के कुछ इस प्रकार से बड़ा करके ये जो स्काई है इस जगह पे आप इसको ले आइएगा। लाने के बाद दोस्तों अभी आपको इसको पकड़ना है और कुछ इस तरह से नीचे वाला लेयर में आपको इसको लाना होगा। देन गाइस अभी अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस तरह से वीडियो को थोड़ा फैलाइएगा। देन आपको अपना वीडियो को प्ले करना है और इस जगह पर गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लैंडी और ये जो लैंडी है ना यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गैप है, जस्ट आपको इतना पार्ट में आपको यहाँ पर आना होगा। देन जो बीजी वाला वीडियो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसको आपको स्प्लिट करना होगा। ये जो आप यहाँ पे टुकड़ा आएगा इस पर आप रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाके वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर आप दूसरा कुछ बीजी इफेक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। सेम गाइस आपको यही चीज़ को आपको दोहराते हुए चले जाना होगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो इस जगह पे गैप है तो यहाँ पर आप वापस स्प्लिट कीजिएगा और इस जगह पे गाइस रिप्लेस में क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको दूसरा कुछ आप यहाँ पे बीजी इफेक्ट आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। देन लास्ट में गाइस इस जगह पर चेंज होता है टोन, तो यहाँ पर गाइस मैं आके पहले मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट करता हूँ, देन यहाँ पर जो रिप्लेस वाला ऑप्शन है यहाँ पर मैं कुछ और यहाँ पे बीजी इफेक्ट डाल देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है नीचे वाला इसका ड्यूरेशन का आप यहाँ पर घटा दीजिएगा, जितना आपका ऑडियो का ड्यूरेशन रहेगा ना इतना आप यहाँ पर कर लीजिएगा। जैसे आप इतना इसके करोगे तो सारे वीडियो का ड्यूरेशन बराबर में आप यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से गाइस आपका स्टेप वन का काम यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको इस वाले वीडियो को सेव करना होगा, उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर इस वाले एक्सपर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर 1080p रखिएगा 60fps हाई को करके आपको यहाँ पर अपना वीडियो को यहाँ पर सेव कर लेनी होगी। वीडियो को सेव करने के बाद दोस्तों वापस से आपको यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना होगा। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों सेम आप फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आप इसी पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो वीडियो दोस्तों बनाया है आपको फर्स्ट में ही दिखेगा उस वाले वीडियो को आप यहाँ पर सेट कर दीजिएगा। करने के बाद दोस्तों लास्ट में ये जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है इसको आप यहाँ पर डिलीट करके हटाइएगा। अब साथियों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार अगर आप यहाँ पर देखो तो फर्स्ट जो जहाँ पर डॉट रहेगा इतना पार्ट में आप यहाँ पर आ जाइएगा। देन आपको यहाँ पर एक बार स्प्लिट करना होगा, उसके बाद गाइस कुछ इस प्रकार से जहाँ पर आपका सेकंड वाला पार्ट है इस पर आपको आके वापस स्प्लिट करना है, मतलब जहाँ जहाँ पर आपका लाइन है उसी जगह पे गाइस आपको यहाँ पर एक बार करके कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्प्लिट आपको यहाँ पर बस कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ पर लाइन थे वहाँ पर मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया है। अब दोस्तों अभी आपका जो फर्स्ट वाला टुकड़ा है इस पर आपको आना होगा। यहाँ पर गाइस आप फिल्टर वाले ऑप्शन में जाइएगा, सॉरी गाइस मैं यहाँ पे दूसरा जगह पे आ गया, आपको यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पर गाइस आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाके सैचुरेशन गाइस आप यहाँ पर कुछ इस तरह से आप घटा दीजिएगा तो आपका जो वीडियो है यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। अब साथियों आपको ये जो वाला वीडियो क्लिप है इस पर आपको क्लिक करना, यानी सेकंड वाले टुकड़े पर आपको यहाँ पर अभी क्लिक करना होगा। एफएक्स वाले ऑप्शन में जाकर फर्स्ट तरफ में आप यहाँ पर आ जाइएगा, यानी व्हाइट वाला जो है इसको आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर ओके प्रेस कर लीजिएगा। अब साथियों उसके बाद वाले टुकड़े में जाना होगा, यहाँ पर भी गाइस आप एफएक्स वाले ऑप्शन में जाइएगा, देन यहाँ पर गाइस आपको जो फ्लैश वाला इसको सेलेक्ट कीजिएगा, देन आपको ओके प्रेस करना होगा। उसके बाद वाले टुकड़े में जाना है, मतलब अभी गाइस जितने भी आप यहाँ पे टुकड़े होंगे उन टुकड़ों में गाइस आपको यहाँ पे अलग अलग करके आपको यहाँ पे जो एफएक्स है अप्लाई कर देनी है। तो मैं साथियों जो काम है झट से कर लेता हूँ। साथियों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारे फोटो के सॉरी वीडियो क्लिप के अंदर मैंने यहाँ पर जो एफएक्स है उसको अप्लाई कर दिया है। अब गाइस मेरा जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब अगर मैं अपनी वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो गाइस कुछ इस टाइप से वीडियो दिखेगा, देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस प्रकार का वीडियो एडिट कर सकते हो। अब दोस्तों आपको इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पे एक्सपर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस अपना जो वीडियो यहाँ पर सेव कर लेनी है।